क्या उद्देश्य है, क्या रीजन क्या था? रीजन है लोगों को करप्शन के बारे जागरूक करना, इसके जो करप्ट महकमे हैं या करप्ट मुलाजिम हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए टोल फ्री नंबर लगाए गए हैं एंटी करप्शन की मदद से। तो क्या उद्देश्य क्या है ये नंबर? उद्देश्य नंबर यही है, उद्देश्य देश से करप्शन को बहुत खत्म किया जा सके, स्टेट से करप्शन को खत्म किया जा सके। तो सर क्या है प्रावधान, क्या है उपभोक्ता के लिए, क्या कितना है जो हितकारी है ये टोल फ्री नंबर? टोल फ्री नंबर पूरा जनता के लिए ही है। अगर कोई उनसे कोई भी सरकारी मुलाजिम सरकारी काम करने के एवज में पैसे की मांग करता है, नंबर इसलिए लगा गए, इन पर फोन करो, हम अवेलेबल हैं, साथ ही रेड करेंगे। तो सर आप यहाँ अधिकारी हो, किस तरह की जो है अपडेट अगर बात करें तो किस तरह के शिकायतें आ रही हैं और क्या कार्रवाई की जा रही है? दो तीन पर्चे हमने दर्ज भी किए करप्शन के, और जैसे शिकायत आती है उसी वक्त हम कार्रवाई करते हैं। तो क्या अधिकार क्या है अगर जनता की या उपभोक्ता की बात करें तो कैसे आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं, कैसे नियम क्या है? फोन से कॉन्टैक्ट करो, उसके बाद नंबर इसी पर इसीलिए नंबर लगाया लगाया इसीलिए फोन नंबर हमने। तो सर अपील क्या है आपकी? अगर अपील तो ये है, अभी कोई भी सरकारी मुलाजिम किसी भी जनता से धन वसूली करता है किसी काम की एवज में, उसको बंद करना है, उस पर रोक लगाना है, अभी ये ना चले आगे। अंग्रेज जी आप जी, काफी जी, समय से संघर्ष कर रहे हैं, किस प्रकार से आना हुआ था, कहां जा रहे हैं, आपकी जो कितना इसमें आपका संघर्ष रहा है और कितना सफल मानते हैं आप? ये काफ़ी हद तक सफल माना जा रहा है, लोग काफ़ी जागरूक हो चुके हैं। आज विजिलेंस विभाग कैथल के सहयोग से और एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से सभी सरकारी कार्यालयों का सर्वे किया गया। वो सर्वे इसलिए किया गया क्योंकि हमें गुप्त सूत्रों से जानकारी मिलती रहती थी कि जो विजिलेंस विभाग के टोल फ्री नंबर लगाए गए हैं उनसे छेड़छाड़ हुई है, तो उन्हीं छेड़छाड़ को लेकर आज सर्वे किया गया। आज लगभग अभी तक जो सर्वे हुआ है वो बिजली बोर्ड और हुड्डा विभाग का सर्वे है, दोनों विभागों में विजिलेंस विभाग के टोल फ्री नंबर इसी प्रकार से सही लगे हुए हैं और आगे भी अभियान निरंतर जारी रहेगा, किसी भी भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। तो क्या आज की क्या रहेगी एक्टिविटी, कहाँ कहाँ जाना है, क्या इसका जो है आपके जाने का उद्देश्य क्या है? आज हमारा जाने का एक ही उद्देश्य है, मैंने आपको बताया कि गुप्त सूत्र से हमें जानकारी मिलती थी कि टोल फ्री नंबरों से छेड़छाड़ हुई है, जैसे कि पीछे पटवार भवन में छेड़छाड़ हुई थी तो वहाँ पर टोल फ्री नंबर पुनः दोबारा लगवा दिए गए हैं। आज नगर परिषद में जाया जाएगा, बिजली बोर्ड, हुड्डा विभाग और जितने भी सरकारी कार्यालय तहसील में जाया जाएगा, वहाँ हमने टोल फ्री नंबर लगाए थे, उनको विजिलेंस विभाग के शौक से चेक किया जाएगा। अगर कहीं पर भी नंबर गायब मिलते तो उनकी शिकायत मुख्यमंत्री को, विभाग के जो उच्च अधिकारी उस टाइम सीट पर मौजूद होगा उसकी शिकायत नाम के साथ मुख्यमंत्री को भेजी जाएगी। जिले वासियों कैसे जो है आप जागरूक करेंगे, क्या अपील है? जिले वासियों से यही अपील है कि भ्रष्टाचार के लिए बेझिझक होकर शिकायत करें, अगर कहीं भी उनको किसी प्रकार की दिक्कत आती है, कई बार हम घबराहट महसूस कर लेते हैं कि हम शिकायत करेंगे तो आगे हमारी गवाहियाँ चलेगी, वो लंबी चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। शिकायत करते के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दूंगा, इसके लिए मैंने पहले भी अपना नंबर जारी किया, आज पुनः आपके माध्यम से नंबर जारी करता हूँ 7404667000। अगर उनको किसी प्रकार का भय महसूस होता है तो वो शिकायत करें, शिकायत करते के साथ में साथ चलूँगा।